सरबत दा भला ट्रस्ट के मुखी डॉक्टर एसपी सिंह ओबरॉय ने रविवार को ट्रस्ट द्वारा केंद्रीय जेल फतेहपुर में कैदियों के लिए दान की गई नई आटा पीसने वाली मशीन, जेल में कैदियों के शारीरिक टेस्टों के लिए मेडिकल लैब तथा शहर के नजदीकी गांव नौशहरा में बनी निःशुल्क डिस्पेंसरी का शुभ आरम्भ किया। गुरु नगरी पहुँचे डॉक्टर ओबरॉय ने कहा कि सरबत दा भला ट्रस्ट द्वारा जल्द ही प्रदेश में गरीब व जरूरतमंद मरीजों की सुविधा के लिए 12 मेडिकल लेबोरेटरी स्थापित की जा रही हैं, जहां केवल 10 रुपए की पर्ची कटवाकर प्राथमिक शारीरिक टेस्ट तथा ईसीजी आदि फ्री किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बेशक पंजाब सरकार ने सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। सरबत दा भला ट्रस्ट इससे लगभग 2 वर्ष पहले ही राज्य भर के अस्पतालों में 92 डायलिसिस यूनिट लगाकर नाम मात्र खर्च पर सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। इसके अलावा 50 और फ्री डायलिसिस यूनिट जल्द ही लगवाए जाएंगे। इस अवसर पर ट्रस्ट के माझा जोन के प्रधान सुखजिंदर सिंह हेर आदि मौजूद थे।